नमस्कार, आप जो ये तस्वीरों के माध्यम से ये पुल देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बनकर तैयार है। इसको इंतज़ार है सिर्फ उद्घाटन का। उद्घाटन न होने के कारण यहाँ से जो यात्री गुजरते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो साइड में सड़कें बना रखी है वहाँ से जाना पड़ता है। तो आपको बता दें कि इस समय हम गाँव टीक के जो पुल है उस पर मौजूद हैं, जिसका शिलान्यास है जो रोहतक रैली में प्रधानमंत्री ने 2019 में किया था, जिस पर लगभग 25 करोड़ के आसपास की जो लागत आई है, और जो पीडब्ल्यूडी का काम और रेलवे का काम पूरा है, कंप्लीट पुल है। लेकिन उद्घाटन के इंतज़ार में दोनों रास्ते बंद किए गए हैं, और वाहन चालक हैं जो साइडों में रास्ते बने हुए हैं वहाँ से जाते हैं। आपको बता दें कि जो रेलवे की लाइन है इस पर जो जाम लगते थे फाटक बंद होने के कारण, उस पर कहीं ना कहीं ये जो उससे निजात दिलाने के लिए ये 25 करोड़ की लागत से जो पुल बनाया गया था, और जो लगभग तीन साल के आसपास हो गया है, अब इसका निर्माण कार्य पूरा है। जो पीडब्ल्यूडी विभाग और रेलवे का लगभग निर्माण कार्य पूरा है, लेकिन इसके अभी तक इसको खोला नहीं गया है। उद्घाटन का कहीं ना कहीं इंतजार है, और जो ग्रामीण है वो भी परेशान है, और जो वाहन चालक हैं वो भी परेशान हैं। तो कुछ वाहन चालकों से हम बातचीत भी करेंगे कि पूछेंगे कि क्या कुछ परेशानी उनको दिक्कतें आ रही हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस समय इलेक्शन चले हुए थे जिला परिषद के इलेक्शन में, जो विकास तावर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस पुल का मुद्दा उठाया था, और जो साइडों में जो गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, टेम्परेरी सड़क बना दी गई थी, जिस कारण भी काफ़ी जो वाहन चालकों को निजात मिली थी। लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं कि इस जो उद्घाटन का इंतज़ार कितने दिन लोगों को करना पड़ेगा, कब से ये पुल खुलेगा। लेकिन पुल पूरी तरह से तैयार है, तो वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो पुल का निर्माण कार्य है वो किया गया है। तो कुछ वाहन चालक यहाँ से जो गुजरते हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, और ग्रामीणों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि कितना टाइम इस पुल को हो गया है, क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ परेशानी उनको आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है? सुरेश जी। जी, जैसे ये पुल लगभग बनकर तैयार है, लेकिन इसका उद्घाटन होने के कारण कहीं ना कहीं आप जैसे जो भी वाहन चालक हैं साइडों में से जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो जी इसका उद्घाटन होना था ये नहीं पाया जी। अच्छा, लेकिन तैयार तो है बनकर? तैयार हो गया। कहीं ना कहीं दिक्कत है आप लोगों को साइडों में गुजारे? सर, दिक्कत है जी पूरी। तो क्या कुछ मांग करते हो? कह रहे हैं अभी जल्दी चालू हो जाओ। अच्छा, कहाँ से हो आप? ठीक से हैं। ठीक से, डेली अप डाउन करते हैं? अप डेली। तो आपका जो मतलब ठीक गाँव के ग्रामीण, उनको काफी दिक्कत है, बहुत दिक्कत आ रही है उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं अगर ये शुरू हो जाता है तो निजात मिलेगी? बहुत पता कि दिक्कत बहुत आ रही है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं नाले। अच्छा, इसी करके जल्दी चालू हो तो दुनिया भी बच जाएगी मरने से। ठीक है, ठीक। नाम है? संजीव कन्हैया भाई, डांड से। कहाँ जाना है? डांडी जाऊंगे भाई जी। ये पुल लगभग बनकर तैयार है, लेकिन इसको खोला नहीं जा रहा, तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, थोड़ा बहुत बाकी रह रहा है, बाकी कंप्लीट तो हो गया। हाँ। दिक्कत तो ज्यादा है भाई, पत्थर लाए मम तो गड्डी सी मांगी हुई लिया रखी है। अच्छा। डर लगा दी जो कभी टूट जाए। अच्छा। हो जाए नुकसान जी, बहुत खड्डे हैं वहाँ, इतनी हो नहीं रहा, दिक्कत तो है भाई, बहुत परेशान हो रहे मित्र। इंतजार है सिर्फ उद्घाटन, तो किसी पर करवा कर किसी की जिंदगी बच जाए, खड्डे वाला का बुरा हाल हो जाएगा भाई। चेपा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना। संदीप, कहाँ जाना है जी? मैंने डांड जाना भाई। डांड जाना? हाँ जी। तो ये पुल जैसे बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में, इसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा, वाहन चालकों को आप जैसों को दिक्कत आ रही है नीचे, क्या कहा? दिक्कत तो है ही है सर इसकी, मैं तो इसको पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। अच्छा जी। और मेरे ख्याल से इतना लंबा फ्लाई ओवर टाइम के हिसाब से लंबा, वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, अभी इतना टाइम लगा दिया इसके ऊपर, और लगभग ये तैयार ही है, पता नहीं अब इसको क्यों नहीं चला रहे। नीचे से तो काफी दिक्कत है ही, हम जैसे जो गाड़ियां हैं वो तो चलो निकल भी जाती हैं, जो ओवरलोड वाहन है या ज्यादा बड़े वाहन है उनको ज्यादा दिक्कत है। है तो सभी को जी। जब ये रेडी हो चुका है तो इसको अब तो शुरू कर देना चाहिए जी। तो कहीं ना कहीं उद्घाटन बाद में हो जाएगा, लेकिन शुरू कर दे पब्लिक के लिए। नहीं, अगर उद्घाटन करके भी करना चाहते हैं तो उद्घाटन में कितना टाइम लगेगा आप सोचो ना जी। एक दिन में आधे दिन का काम है, और उद्घाटन अगर ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, ज्यादा अगर देखें पब्लिक की परेशानी अगर वो ज्यादा जरूरी समझते हैं, तो इसको कभी भी शुरू किया जा सकता है। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल ये लगभग तैयारी है इस टाइम। थैंक यू।